तो कैसे हैं आप लोग? तो 3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने शेयर किया था 4 यूट्यूबर का नाम और पूछा था कि इनमें से कौन सा यूट्यूबर का ड्राइंग बनाया जाए। तो पता है उसमें से सबसे ज्यादा जो वोटिंग आया उनका आया वो था कैरी मिनाटी भैया। नेवर। तो आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग ड्रॉइंग करने वाले हैं वो रहेगा कैरी मिनाटी का ड्रॉइंग। और आज मैं जो ड्रॉइंग करूंगा ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने वाला है, ये कलर ड्रॉइंग होगा। तो उसके लिए मुझे कुछ पेपर की जरूरत है। चलिए पहले पेपर निकालते हैं फिर ड्राइंग करते हैं। उफ्स, पेपर भी नहीं है, अब क्या करूं? वॉलेट से पैसा निकालता हूं और पेपर खरीदता हूं, वो ठीक रहेगा। ओह नो, वॉलेट में पैसा नहीं है, 20 रुपया, इससे क्या होगा? मैंने सबको बोल तो दिया, अब ड्राइंग कैसे बनाऊं? आइडिया। अभी जो मैं करने वाला हूं उसके लिए मुझे गाली भी पड़ सकती है घर में, तो भाई समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ड्राइंग की हम किस तरह से, वो आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जग है जिसमें मैं पुट्टी को डालने वाला हूँ और उसको मिक्स करके हम लोग वॉल में लगाने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ को बहुत खामोशी से करना है, इससे नहीं जाने बनने के बाद डांटे कुछ भी करें वो अलग चीज़ हो जाए, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो खामोशी से करना है। तो हम इसमें पुट्टी डाल चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं अगले रूम में जहाँ हम लोग ये कारामाट करने वाले। और मेरे लिए बेनिफिट रहता है क्योंकि ये रूम मैक्सिमम बंद रहता है। भाई ये ताला खुल तो नहीं रहा है, कैसे खोला जाए इसे? और इसका चाबी भी टेढ़ा हो चुका है, तब क्या किया जाए इसके लिए? फाइनली भाई साहब खुल चुका है ये ताला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब हमारे ये रूम खुल चुका है, तो अब हम यहाँ करने वाले हैं पुट्टी। सो चलिए हमारे ये पुट्टी 100% पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब हम लोग करने वाले हैं इसमें ड्राइंग। ओके, अभी मजा आएगा ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक सेकेंड, ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ मटेरियल तो चाहिए, तो मटेरियल तो लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए चलिए पहले मटेरियल लेकर के आते हैं, और मैं कुछ फ्रेश भी हो जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी गंदा हो चुका हूँ पुट्टी करते करते। तो चलिए मटेरियल लाते हैं और फ्रेश होके आते हैं और इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। आ गए हम अपने रूम में, तो आज मैं कलर देखने वाला हूँ, तो आज मैं इस कलर से ड्राइंग करने वाला हूँ, डैट इज स्टूडेंट पोस्टर कलर्स। तो ये मेरे लिए न्यू है, तो आज से पहले मैंने कभी इस तरह ड्राइंग नहीं किया है, तो ये मेरे लिए न्यू होने वाला है। तो देखते हैं इससे कैसे पेंट होने वाला है। ओके, तो कुछ मुझे ब्रश वगैरह भी चाहिए, तो मैं कुछ ब्रश वगैरह ले लेता हूँ। तो चलिए ये हो गया हमारा कलर और ये हो गया हमारा ब्रश, तो अब ये दोनों कलर और ब्रश को लेके चलते हैं हम लोग उस रूम में और ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ओह नो, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो था हमारा पेंसिल जिससे मैं आउटलाइन बनाऊंगा। तो अब चलते हैं ड्राइंग की ओर, तो उसके लिए मुझे कुछ रेफरेंस फोटो चाहिए। तो भाई टैबलेट देना। तो फाइनली गाइस ये आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, और मेरा हाथ भी जाम हो चुका है क्योंकि मुझे ऐसे टैप पकड़ करके ड्राइंग करना पड़ रहा था, तो एक ही जगह स्थिर रहने की वजह से मेरा हैंड भी मूवमेंट नहीं हो रहा सही से। तो
तो आउटलाइन आज हो गया है, तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ और कल मैं ड्राइंग पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा जो होने वाला है कलरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हमारा डे टू है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ड्राइंग में कलर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग इस रूम में पहुंच चुके हैं, तो अब करने वाले हैं हम इसमें कलर। ओके, तो भाई ब्रश देना। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ना भाई।